दोस्तों आ चुके हैं हम अपने मास्टर केज में और यहाँ हमने कबूतरों को दाना डाल दिया है। कबूतर सब दाना खा रहे हैं। ये देखो यहाँ बैठे हैं, ये हमारा यहाँ खा रहा है और सब यहाँ हैं। तुम कैसे अंदर बैठे हो, तुम भी आओ बाहर दाना खाओ। एक बच्चा हमारा कहाँ है कबूतर का, एक बच्चा ये है देखिए, माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो गया ये बच्चा। दूसरा बच्चा कहाँ गया, दूसरा वाला बच्चा कहाँ है, वाइट वाला नीचे नीचे वो तो मर गया। एक बच्चा मर गया छोटा वाला, कैसे? ये वाला हमारा जो एक दो बच्चे थे इसमें से एक बच्चे की मौत हो गई, हमने कल नहीं देखा, कल नहीं आए थे यहाँ पे, पता नहीं कैसे क्या हुआ कि उसकी मौत हो गई और वो मर गया। बहुत अफसोस होता है इस बात का कि एक बच्चे को पालो और फिर वो मर जाए। ये हमारे कबूतर सारे यहाँ ही पानी पीने आइए, और वही रोज़ की तरह प्रोसेस जो हम बच्चों को दाना खिलाते हैं अपने हाथ से, चना ये वाले इस वाले को खिला रहे हैं चना, और ये हमारी रामपुर वाली कबूतरी ये ऊपर उड़ने को है। ये कबूतर सारे ऊपर आ गए हैं, सब दाना खा रहे हैं खूब, और ये वाली कबूतरी अंडों पे आजकल बैठी नहीं रही है, रोज़ अंडे खाली रहते हैं इसके, पता नहीं कहाँ चली जाती है। एक अंडा कहाँ गया इसका, और ये कबूतरी हमारी इस पर बैठी है अंडों पे। यहाँ वाला ये वाला कबूतर हमारा माशाल्लाह इसने बढ़िया पाला है ये बच्चे को, देखिए काफ़ी बड़ा हो गया बच्चा, आज करीब 7 दिन का हो गया बच्चा ये। और ये बच्चे हमारे कबूतर के सब बच्चे दाना खा रहे हैं इस टाइम, दाना हमने खूब ज़्यादा दाना डाल दिया है, देखिए कितनी तेज़ स्पीड से खा रहे हैं। इस दाने के अंदर एक दाना है जिस जो ज़्यादा खाना पसंद कर रहे हैं ये। ये देखिए ब्लैक कबूतरी हमारी, ये माशाल्लाह ब्लैक कबूतरी हमारी बहुत प्यारी है, देखने में भी बहुत प्यारी है। देखिए ये 2-3 दिन में अंडे देगी और फिर इसके बच्चे आएंगे ब्लैक। एक ये हमारे कबूतरी का बच्चा है, ये पट्ठा है, ये भी हमारे घर का ही है, और ये कबूतर यहाँ आ गए सब। ये देखिए ये कलसरे का बच्चा हमारा जो पट्ठा है, ये कलसरे का पट्ठा है हमारा, और एक ये पट्ठा हमारा जो चुटियाल का है। ये देखिए ये अंदर गया चुटियाल का बच्चा। आइए टेढ़ी हमारी आज नीचे है, आज टेढ़ी हमारी अलग ही जगह है, पानी पीने दे उसको यार। ये देखिए गंदा पानी है, अभी हम पानी चेंज करेंगे फिर पिलाएंगे इनको, अभी पीने नहीं देते हैं बच्चों। और ये टेढ़ी हमारी आज नीचे अपनी जगह से आज अलग हुई है, बहुत टाइम बाद अपनी जगह से हटी है, ना तो ये वहीं पे ऊपर ही बैठी रहती है इसके ऊपर, और हमेशा जब भी आओगे तो यहीं मिलेगी टेढ़ी तुम्हें बैठूंगी, लेकिन आज ये नीचे है, शायद दाना खाने के लिए, शायद ये नीचे दाना खाने के लिए आई है, इसलिए है ये यहाँ पर। ना तो टेढ़ी वहीं मिलती है रोज़ और वहीं खड़ी रहती है। ये यार ये कैसे उड़ रही है, ये ऊपर जाने को है, कोशिश कर रही है ऊपर उड़ने की, और ये ऊपर उड़ेगी। अब उड़ा के दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए एकदम उसके अंदर चली गई है, कोशिश कर रही है पर उड़ नहीं पा रही है। और ये रहा हमारा बच्चा कबूतर का, वो जो एक इसका जुड़वा था, जो एक छोटा बच्चा था उसकी मौत हो गई, और ये बच्चा हमारा एक बच्चा बचा है हमारा, ये इसके भी आँख पे क्या है, ये इसकी आँख पे क्या निकला है इतना बड़ा वाइड वाइड इसके, अच्छा ये आँख है इसकी, आँख से वाइड हो गई, पता नहीं क्या हो गया इसकी आँख पे, देखिए क्या हुआ, सफ़ेद सफ़ेद है पूरी आँख, आँख पे इसकी कोई दिक्कत हुई है, ये देखिए इसकी आँख में कोई दिक्कत हुई है जिससे पूरी आँख इसकी वाइड वाइड हो गई है, एक साइड की सही है देखो, और एक साइड की पूरी आँख इसकी वाइड है,
शायद कोई दिक्कत आई है इसकी आँख में। आज हम इसको दिखाएंगे डॉक्टर को, क्या बात है, और इसकी दवाई लेके आएंगे। इसको अंदर बिठा देते हैं, ये थोड़ा घबरा रहा है। ये गया, यहाँ पे बिठा लो उसको, घबरा रहा है थोड़ा। और ये हमारी लखा कबूतरी है, ये अंडों पे बैठी है। इसके अंडे आ चुके हैं, अब बच्चे आने वाले हैं। देखता हूँ इसको बच्चा, हाँ एक बच्चा तो था, ये वही है जिसका एक बच्चा निकल चुका है, और बाकी हमारे चूजे के अंडों पे बैठी है। बहुत जल्द इसके नीचे से चूजे भी निकलेंगे, और इसको हम देखते हैं कि कैसे निकलेंगे चूजे। देखना है हमें चूजे कैसे निकलते हैं, और ये कैसे परवरिश करती है चूजों की। और ये हमारे दोस्तों, ये हमारे कबूतर सारे फिर से एकदम फिर से गुजट बना के बैठ गए हैं दाना खाने के लिए। और इनके लिए हम और दाना डाल देते हैं, ये हमने और दाना डाल दिया। देखो कितनी तेज़ खा रहे हैं ये, बहुत ही। और ये क्या हुआ, ये बच्चे हमारा यहाँ बैठ गए हैं छुप के। दिखाता हूँ मैं आपको, ये बच्चे हमारे यहाँ छुप के बैठ गए हैं, थोड़े डर रहे हैं, डरे डरे से हैं ये। चलो इनको यहीं बैठा रहने देते हैं। और ये कबूतर हमारे यहाँ है सब। और टेढ़ी देखो अपनी जगह पहुँच चुकी है, जाके वहीं बैठ गई टेढ़ी जहाँ होती है रोज़। टेढ़ी का वही एक ठिकाना है, और वहीं पे जाके बैठ गई। ये कबूतर हमारे सब यहाँ हैं। इस ब्लैक वाली कबूतरी को भी भेज देते हैं ऊपर, ये भी शायद दाना खाने के लिए नीचे आ गई। ये दूधिया कबूतरी हमारी वापस आ गई। और ये देखिए कैसे लाइन से कबूतर हमारे लाइन से दाना खा रहे हैं बिल्कुल। ये हमारा लखा का बच्चा जो बहुत शरारती है, ये देखो, ये देखो उड़ने लगा ये। और ये क्या हुआ, ये तो चार अंडे हैं हमारी कबूतरी के, एक कबूतरी के नीचे चार अंडे, इम्पॉसिबल। लेकिन हमने दूसरी कबूतरी के अंडे रखे हैं यहाँ पे, ताकि वो जो कबूतरी के अंडे हैं वो अपने बच्चों को पाल नहीं पाती है ठीक से, इसलिए हमने इस वाली कबूतरी के नीचे रख दी है, ताकि ये बढ़िया तरीके से पालती है और बच्चों की परवरिश भी अच्छी करती है। इसलिए हमने वहाँ से अंडे हटा के उसके नीचे से दूसरी वाली जो कबूतरी थी उसके नीचे दो अंडे थे उसके नीचे रख दिए हमने। वो माशाल्लाह परवरिश अच्छी करती है इनकी। जैसे ये हमारा लखा का बच्चा है, माशाल्लाह कितना प्यारा है ये। और यही एक बच्चा सबसे फुर्तीला बच्चा है हमारे यहाँ, पूरा कबूतर हो गया माशाल्लाह ये। ये देखिए कैसे उड़ता है, देखो एक एक को भी अपने पास टिकने नहीं देता, बहुत तेज़ है ये। ये देखिए यहाँ भगा दिया, सब लड़ने लगे आपस में। और ये वाला कबूतर हमारा जो लखा का है माशाल्लाह, यही किसी का बच्चा है वो, जो प्यारा है बहुत ज़्यादा और फुर्तीला बहुत है। ये यहाँ दाना खा रहे हैं, और बाकी बच्चों का प्रोसेस हमारा जारी है दाने का। ये सब को हम चने खिला ही रहे हैं, बाकी मट्टी भी रखी है, पानी चेंज कर देते हैं। और ये बच्चों को, इनको दाना खाने देते हैं दोस्तों। अब चलते हैं, कल एक कबूतर लेकर आना है हमको, वो कबूतर मैं आपको दिखाऊँगा, बहुत प्यारा है। लेकिन आज मैं अभी कुछ बताऊंगा नहीं उसके बारे में, कल जब मैं आपको दिखाऊंगा तो आप खुद समझेंगे कि कौन सा कबूतर है। जो जिस जिस के पास कबूतर है और जो कबूतर का शौक़ करते हैं उनको सब पता है, जब वो देखते ही पहचान लेंगे कौन सा कबूतर है ये। और कल मैं आपको दिखाता हूँ कबूतर। चलिए दोस्तों इनको दाना खाने देते हैं, अब चलते हैं, और कल मैं आपको दिखाता हूँ नया एक कबूतर। कल तक के लिए दोस्तों खुदा हाफिज़।